सभी दर्शकों को नमो नमः। मित्रों, संस्कृत व्याकरण में हम समास पढ़ रहे थे। समास में हमने केवल समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, यहां तक हमने अध्ययन कर लिया था। अब हम द्वंद्व समास इस वीडियो में पढ़ रहे हैं। द्वंद्व समास की परिभाषा है, उभय पदार्थ प्रधान है, द्वंद्व है। उभय यानी दोनों, पदार्थ यानी पदों का, अर्थ प्रधान यानी प्रधान मुख्य, द्वंद्व यानी द्वंद्व समास। तो वह समास जिसमें दोनों पदों का अर्थ प्रधान हो, यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों जिसमें प्रधान हो, वह समास द्वंद्व समास कहलाता है। इसका सूत्र है चार्थे द्वंद्व है। जब दो या दो से अधिक संज्ञाएं च शब्द से जोड़ दी जाए तो द्वंद्व समास कहलाता है। जो ये च है, च का अर्थ होता है और। जब संज्ञा शब्दों को और शब्द से जोड़ा जाए तो वह द्वंद्व समास कहलाता है और दोनों का अर्थ प्रधान होता है। द्वंद्व समास के भेद, द्वंद्व समास के तीन भेद होते हैं। पहला है इतरेतर द्वंद्व है, और दूसरा है समाहार द्वंद्व है, तीसरा है एकशेष द्वंद्व है। तो आइए, पहला इसका भेद है इतरेतर द्वंद्व है। आपस में मिले हुए इतर का इतर से योग, यानी दूसरे का दूसरे के साथ में योग, पदार्थों का एक अन्वय होना, दोनों पदों का अर्थ एक अन्वय हो जाता है, इतरेतर योग कहलाता है। इसमें शब्दों की संख्या के अनुसार अंत में वचन होता है। प्रत्येक शब्द के बाद विग्रह में च लगता है। ये बातें हमें इस समास में याद रखनी होगी। जैसे राम है च, कृष्ण है च, रामश्च कृष्णश्च भी हो सकता है। तो यहां पहला संज्ञा शब्द है राम है, इसके बाद च लगाया है, और दूसरा कृष्ण है, इसके बाद भी च लगाया है, क्योंकि प्रत्येक शब्द के बाद हमें विग्रह में च लगाना है। तो दोनों शब्दों को मिलाया तो राम कृष्ण दो शब्द हैं, द्विवचन हो गया। तो अंत में शब्दों की संख्या के अनुसार वचन होता है। ये वाक्य इस समास की परिभाषा के अंतर्गत हमने पढ़ा था। तो वचन इन शब्दों की संख्या के अनुसार होता है। तो यहाँ एक राम है, दूसरा कृष्ण है, दो हो गए, तो द्विवचन यहाँ प्रयुक्त हुआ है, तो राम कृष्ण ये रूप बना। इसी प्रकार से भीम है च, अर्जुन है च, तो भीम अर्जुन दो शब्द हैं, तो मैं में ए और अर्जुन का ए दोनों में दीर्घ होकर के भीमा अर्जुन ये रूप बना। फिर पत्रम च, पुष्पम च, फलानी च, यहां तीन शब्द हैं, तो बहुवचन हो गया, पत्र पुष्प फलानी, फल शब्द की तरह से बहुवचन। ध्यातव्य, इसमें ध्यान देने वाली बातें हैं कौन कौन सी है वो इसमें हम पढ़ रहे हैं। द्वंद्व समास में पूर्व पद और उत्तर पद विधायक सूत्र। ये पूर्व पद और उत्तर पद में जो काम आने वाले सूत्र हैं वो देख लेते हैं। पहला है द्वंद्वे घी। द्वंद्व समास में इकारांत या घी संज्ञक पद का पूर्व प्रयोग होता है। इस समास में जो इकारांत शब्द होता है उस शब्द का सबसे पहले समस्त पद बनाते समय हम प्रयोग करते हैं। घी संज्ञा सखी शब्द को छोड़कर शेष सभी ह्रस्व इकारांत शब्दों की होती है। जो घी संज्ञक जो शब्द है उसके अंतर्गत केवल सखी शब्द को छोड़कर के बाकी सब इकारांत शब्दों की घी संज्ञा होती है और वो इकारांत होते हैं। तो इन शब्दों को सबसे पहले प्रयोग करना है। जैसे हरिश्च हरश्च, तो हरि हरौ, हरिश्च हरश्च गुरुवश्च, हरि हर गुरुवः, तो जो
इकारांत जो शब्द है उसे पहले प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से दूसरा है अल्पास्तरम, जिस शब्द में कम स्वर हो उन्हें समास में पहले रखते हैं, तो नाम से ही स्पष्ट है अल्पास्तरम, यानी जिस शब्द में स्वर कम हो, अच कम हो, अल्प अच है यहाँ पे, तो जिस शब्द में अच कम है उसे समास में पहले रखते हैं, जैसे शिवस् च केशवस् च, यहाँ शिव है च केशव है च, तो शिव में स्पष्ट है कि कम है स्वर, केशव में ज्यादा है, तो शिव को पहले प्रयुक्त किया गया है। स है इसमें अजाद्य दंतम, अजाद्य दंतम, अज का मतलब होता है स्वर अच, तो स्वर से प्रारंभ होने वाले और अंत में अ आने वाले शब्दों को पहले रखते हैं, यानी जो शब्द स्वर से शुरू हो और जिनके अंत में अ हो उनको समस्त पद बनाते समय हम सबसे पहले प्रयुक्त करते हैं, जैसे ईशश्च कृष्णश्च, ईश कृष्णो, यहाँ ईश में ई स्वर से प्रारंभ है और श में ए है, तो इसको हम सबसे पहले प्रयोग में लाते हैं। इसी प्रकार से ईश्वरश्च प्रकृतिश्च, तो ईश्वर प्रकृति, तो यहाँ द्विवचन बन गया प्रकृति का, ईश्वर प्रकृति। फिर वर्णानाम आनुपूर्वेण च भ्रातुर्जायस, तो यहाँ जो वर्ण जाति और संबंध में जो ज्येष्ठ है उसके क्रम के अनुसार हम यहाँ लिखते हैं, जैसे ब्राह्मणश्च क्षत्रियश्च, तो ब्राह्मण पहले क्रम में सबसे पहले आता है फिर क्षत्रिय, तो इस क्रम को हमें ऐसे ही रखते हैं, ब्राह्मण क्षत्रियो। फिर रामश्च लक्ष्मणश्च, ये भाइयों का जन्म है, जन्म के अनुसार हम यहाँ ज्येष्ठ जो है उसको पहले उसके बाद में अनुज को रखते हैं, तो रामश्च लक्ष्मणश्च, राम लक्ष्मणौ, इस तरह से ये समास हम करते हैं। फिर आगे है ये अनंग ऋतो द्वंद्वे, यानी ऋकारांत पदों के साथ द्वंद्व समास होने पर अंतिम पद के पूर्व स्थित ऋकारांत पद के री के स्थान पर आकार हो जाता है, ये बात हमें समझनी होगी कि जब ऋकारांत शब्द आए, होता च पोता च, होता में होत्री शब्द है होता, तो होता पोतारौ, फिर है माता च पिता च माता पितरौ, ये कहने का तात्पर्य यह है कि जो शब्द हम यहाँ प्रयुक्त कर रहे हैं होता च होता च, तो प्रथम जो शब्द है उसकी विभक्ति का लोप करते हैं, तो मूल शब्द को प्रयोग करते हैं, तो होत्री होना चाहिए यहाँ, यहाँ हमें होत्री पोतारो इस तरह से लिखना चाहिए था, लेकिन ये सूत्र ये कह रहा है कि जो ऋकारांत शब्द है और वो पूर्व में है, तो उस पूर्व वाले शब्द का जो री है उसके स्थान पर आ आदेश करना है, आकार आदेश वहां करना है, तो होत्री का होता किया गया है और शेष शब्द को वैसे का वैसा जोड़ के द्विवचन यहां बनाया होता पोतारो। फिर इसी प्रकार से माता च पिता च, तो माता पितरो, ये पितरो फिर एक शेष में बनता है, यहां पर माता पितरो यही हमें पढ़ना है अभी। फिर होता च पोता च उद्गाता च, यहां देखिए तीन शब्द हैं, होता को होत्री यहां मूल शब्द ले लिया, फिर पोता को पोता ही रहने दिया, क्यों, क्योंकि ये कह रहा है कि द्वंद्व समास में होने पर अंतिम पद के पूर्व स्थित, अंतिम पद यहां उद्गाता है इससे पहले पोता, तो ये पूर्व स्थित ऋकारांत पद के री के स्थान पर आकार हो जाता है, तो
ये पोता का पोत्री होना चाहिए था, लेकिन यहां आकर के इसका उद्गाता होता, पोता उद्गाता, ये स्थिति बनी। फिर बहुवचन में रह और जोड़ करके होत्री पोतोद्गाता रह। पोतो पोता का जो आ है और उद्गाता का ऊ, यहां गुण होकर के पोतो बना, तो होत्री पोतोद्गाता रह रूप संपन्न होता है। फिर है परवलिंग द्वंद्व तत्पुरुषयो। इस समास में अंतिम शब्द के अनुसार पूरे समास का लिंग होता है, जैसे मयूरी च कुक्कुटश्च। तो यहां जो कुक्कुट जो अंतिम शब्द है, इसके आधार पर समस्त पद का लिंग निर्धारण होता है। ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है, तो दोनों का पुल्लिंग रूप बन जाता है। तो मयूरी कुक्कुटौ, विभक्ति कुक्कुट की तरह से लगी है। इसी तरह से कुक्कुटस्य मयूरिश्च, तो यहां कुक्कुट मयूरयौ, तो इकारांत मयूरी की तरह यहां पर विभक्ति लगी है। तो यही ध्यान इसमें रखना है। इसके बाद है समाहार द्वंद्व। जिस समास में दो या दो से अधिक पदों का समाहार बोध हो, या प्रत्येक पद का अर्थ समष्टि भाव से प्रकाशित हो, वहां समाहार द्वंद्व होता है। इसमें समस्त पद एक वचनांत नपुंसक लिंग में होते हैं। समाहार द्वंद्व समास के अंतर्गत हम इन नियमों को, इन बातों को अवश्य ध्यान में रखें। समाहार द्वंद्व बहुधा उन दिशाओं में होता है जब उसमें आए हुए शब्द मनुष्य अथवा पशु के शरीर के अंग के वाचक हों, जैसे पाणी च पादौ च पाणि पादम, गाने बजाने वालों के अंग के वाचक हो, सेना के अंग के वाचक हो, जैसे अश्वारोहाश्च पदातयश्च पदा तेयस्वारोहम, पैदल और घुड़सवार। इसी प्रकार से एचन अचेतन पदार्थ के वाचक हों, गोधूमश्च चणकश्च गोधूम चणकम, इस तरह से रूप बनता है। नदियों के भिन्न लिंग वाले नाम हो, जैसे गंगा च श्रोणश्च गंगा श्रोणम। फिर है देशों के भिन्न लिंगों वाले नाम हो, कुरुवश्च कुरुक्षेत्रम च, तो कुरु कुरुक्षेत्रम, ये रूप बनता है। क्षुद्र जीवों के नाम हो, युका च लिक्षा च, तो युका लिक्षम, ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है। तो आइए फिर चलते हैं वहां। तो समाहार द्वंद्व समास में जो उदाहरण है वो देख लेते हैं एक बार। हस्तौ च पादौ च, हस्त पादम, ये नपुंसकलिंग का एक वचन रूप यहां बनता है। आहारस्य निद्रास्य भयम् च, आहार निद्रा भयम्, हस्तिनश्च अश्वास्य हस्तेऽस्वम्, कुरुश्च कुरुक्षेत्रम् च कुरु कुरुक्षेत्रम्, युका च लिक्षा च युका लिक्षम्, अहियश्च नकुलाश्च अहिर् नकुलम्। फिर दहनाश्च शष्कुलिश्च दहना शशकुली, रथिकश्च अश्वारोहिश्च रोहिच्च, तो रथिका स्वारोहम, त्वच्च वाक्च, तयो समाहार है। इनमें भी समाहार शब्द हम जोड़ सकते हैं, तो वह कोई इशू, बड़ा इशू नहीं है। जैसे हस्तौ च पादौ च तयो समाहार है, तो हस्त पादम, ये भी हम लिख सकते हैं। तो वाक च त्वक च, वाणी और त्वचा, इनका समाहार वाक त्वचम। शमी च दृषद च, तयो समाहार है शमी दृषदम। फिर पाणी च पादौ च, एषाम समाहार है पाणी पादम। भेरी च पटहश्च, अनयो समाहार है भेरी पटहम। गंगा च श्रोणश्च गंगा श्रोणम, श्रोण शब्द यमुना का वाचक है। मथुरा च पाटलिपुत्रम च, मथुरा पाटलिपुत्रम।
अहिश्च नकुलश्च, ये एकवचन भी प्रयुक्त कर सकते हैं, जैसे यहाँ अहिश्च नकुलश्च किया गया है, अहि नकुलम ही यहाँ बनता है। मार्दंगिकाश्च वेण विकाश्च, मार्दंगिक वेण विकम, ये वाद्य यंत्रों के जो कि हमने अभी पढ़ा था कि गाने बजाने वालों के अंग के वाचक हों, तो हम समाहार द्वंद समास का प्रयोग करते हैं। गोधूमश्च चणकश्च गोधूम चणकम, अहश्च रात्रिश्च अहोरात्रम, त्वक्च सृज च, तयो समाहार त्वक् सृजम, वाक्च त्विट्च, तयो समाहार वाक् त्विषम। इस तरह से आगे देखते हैं। छत्रम च उपानहौश्च, तयो समाहार छत्रोपानहम्, हस्तौ च चरणौ च, तयो समाहार हस्तचरणम्। विकल्प से होने वाले समाहार द्वंद समास के उदाहरण, पलक्षश्च निग्रोधश्च, पलक्ष निग्रोधम अथवा पलक्ष निग्रोधः, ये इतरेतर द्वंद्व के आधार पर हो जाता है। कुशश्च काशश्च, कुश काशम, कुश काशः, दधि च घृतम च, दधि घृतम, और विकल्प से ये दधि घृत्य बनता है। सुकाश्च बकाश्च, सुक बकम, और ये न बने तो सुक बकाह रूप बनता है। पूर्वश्च अपरश्च, पूर्वापरम, अन्यथा पूर्वापरे रूप इसका बनता है। रुरुश्च पृष्ठतश्च, रुरु पृष्ठत और रुरु पृष्ठतः। व्रीहिश्च यवश्च, व्रीहि यवम, व्रीहि यवः। गोच महिषाच, गो महिषम अथवा गो महिषः। अश्वश्च वडवश्च, अश्व वडवम, अश्व वडवे। अधरश्च उत्तरश्च, अधरोत्तरम, अधरोत्तरे, ये। अब आगे है एक शेष द्वंद्व है, तीसरा द्वंद्व समास का भेद है। एक विभक्ति होने से समास करने पर समाना आकार के दो या बहुत पदों में से एक ही शेष रह जाता है, उसे एक शेष द्वंद्व समास कहते हैं। कुछ व्याकरणाचार्य इसे द्वंद्व समास समास नहीं मानते, एक शेष ही मानते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका उदाहरण। स्वश्रुः च स्वसुरः च, तो यहाँ सास और ससुर इन दोनों का बोधक शब्द एक शेष रखा गया है, स्वसुरो, ये द्विवचन में यहाँ प्रयुक्त कर दिया है। तो ससुरोह इसका मतलब है सास और ससुर, ये दोनों का अर्थ प्रकट करता है। ध्यातव्य, एक शेष द्वंद्व में केवल समान रूप वाले शब्द अथवा समान अर्थ रखने वाले विरूप शब्द भी आ सकते हैं। यदि समास में पुल्लिंग शब्द तथा स्त्रीलिंग शब्द दोनों मिले हों तो समास पुल्लिंग में ही बनता है, यह भी ध्यान रखना है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हो तो समास हमें पुल्लिंग में ही बनाना है। जैसे ब्राह्मणी च ब्राह्मण च, तो ब्राह्मणौ बनाना है। शूद्री च शूद्र च शूद्रौ, वक्रदंडश्च कुटिल दंडश्च वक्रदंडौ या कुटिल दंडौ। यहाँ ये दो इसलिए लिखे हैं कि ये दोनों ही पुल्लिंग हैं, तो दोनों का प्रयोग यहाँ किया जा सकता है। मयूरी च मयूरह च, तो मयूरौ। पुत्रश्च दुहिता च पुत्रौ, यहाँ पुत्र और पुत्री दोनों हैं तो पुत्र शब्द का प्रयोग किया गया है। अजश्च अजाच अजौ, चटक च चटका च चटकौ, गठश्च कलशश्च कलशौ या गठौ, दोनों को लिख सकते हैं। माता च पिता च, तो पितरौ यहाँ प्रयोग में लाते हैं, और माता पितरौ ये यहाँ
रिकारांत शब्दों के साथ में अंतिम पूर्व स्थित रिकारांत पद के री के स्थान पर आदेश होकर के माता पितरो बनता है। ये इस सूत्र के अनुसार से यहाँ इतरेतर द्वंद्व में माता पितरो बनता है और एक शेष में केवल पितरो शब्द बनता है। हंस च हंसी च, तो इन दोनों शब्दों का द्योतक है हंसो। इस प्रकार से मित्रों ये समास प्रकरण आज पूरा हुआ है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो कमेंट करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद सभी दर्शकों को। नमो नमः।